ग्राम स्वराज मंच के तत्वाधान में हनुमान मंदिर उदेन में स्वराज सेनानियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता एकला ग्राम संगठन अंचल करौली के संस्कार शिक्षा प्रभारी हनुमान दास महाराज ने की। बैठक के मुख्य अतिथि ग्राम स्वराज मंच के प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह मीणा ने उपस्थित स्वराज सेनानियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर गाँव का पुनर्निर्माण गाँव स्वराज ही विकल्प में है। मीना ने कहा कि कोरोना की महामारी ने जहां एक ओर दुनिया को हिलाकर रख दिया है, लॉकडाउन जैसे महत्वपूर्ण कदमों और निर्णयों से उसके भीषण प्रकोप से अभी हमें किसी हद तक बची है, लेकिन दूसरी तरफ दशकों से रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन किए हुए ग्रामीण कामगारों का घबराहट के कारण अपने गाँव की ओर वापस लौटने की अकलाहट से देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो असंतोष और अव्यवस्था पैदा हुई है, उससे राज्य और समाज दोनों की चिंता की लकीर काफी गहरी होती जा रही है। शहरों में फंसे मजदूरों का किसी न किसी तरह अपने गांव पहुंचने की कोशिश के बीच कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं और सवालों का उत्तर गांव की आत्मनिर्भरता के बीच ही तलाशा जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर गांव लौटने कामगार तक सबको इसी तरह की समस्या के समाधान स्थायी हल दिखाई पड़ रहा है। मीना ने आत्मनिर्भरता के मायने पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मनुष्य जीवन के दो आयाम हैं, पहला जीवन का होना अर्थात उसका अस्तित्व, दूसरा जीवन का विकास अर्थात ज्ञान कला प्रौद्योगिकी आदि के साथ साधनों की उपलब्धता और संपर्क का विस्तार जैसी चीजें। इसी नाते आत्मनिर्भरता मूलतः पहले के अर्थ में अधिक प्रासंगिक है। अगर इसके लिए हम किसी और पर आश्रित हों तो सोचिए हम कहाँ खड़े हैं और कब तक खड़े रहेंगे। हमारे जीवन या अस्तित्व की शर्त क्या है, वह किस पर टिका होता है। मोटे तौर पर हवा पानी और भोजन, लेकिन एक कदम और आगे बढ़े अर्थात सामाजिक अस्तित्व के लिए तो कपड़ा व मकान भी अनिवार्य हो जाता है। मीना ने कहा ये पांच चीजें हमारे व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन की ऐसी आवश्यकता है जिसके अभाव में वह संभव ही नहीं है। इस नाते मोटे तौर पर इन पांच चीजों के लिए स्वयं पर निर्भर होना ही आत्मनिर्भरता है। मीना ने कहा इस नाते आत्मनिर्भरता को दो दृष्टियों से देखना होगा, पहला स्वावलंबन और दूसरा स्वराज। स्वावलंबन मोटे तौर पर साधनों की निर्भरता है, जैसे जो जीवन के अस्तित्व का मूल आधार है। आजादी सोचने की, आजादी निर्णय करने की, किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए इन्हीं तीनों प्रक्रिया से गुजरना होता है। सही और उपयुक्त परिणाम तभी मिलता है जब इस प्रक्रिया से वह गुजरता है। यदि देश को स्वराज अर्थात आजादी नहीं मिलती तो स्वावलंबन होने का सपना भी बेमानी था। इसी प्रकार प्रदेश, जिला और गाँव को भी अपनी आवश्यकता और सीमा में जब स्वराज मिलेगा तभी उसकी स्वावलंबी अथवा आत्मनिर्भर होने का मार्ग खुलेगा। कक्षा 6 से 8 तक के छात्र 400 मीटर, कक्षा 9 से 12 तक 800 मीटर, महाविद्यालय छात्र 1600 मीटर तक दौड़ का आयोजित की जाएगी। दौड़ में विजेता व उपविजेता रहे प्रतिभागी को सम्मान समारोह में सम्मान किया जाएगा। बैठक का संचालन ग्राम स्वराज मंच के जिला उपाध्यक्ष उदय सिंह मीणा ने किया। दौड़ प्रतियोगिता के टोड़ा भीम ग्रामीण के संयोजक रामकेश मीणा, सह संयोजक लक्ष्मी नारायण बेरवा, मीडिया प्रभारी अजय मीणा को बनाया। ग्राम स्वराज मंच बालघाट प्रखंड का अध्यक्ष भगवान सिंह सैनी, उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह, हरगुण सिंह गुर्जर, मीडिया प्रभारी जगदीश मीणा को बनाया गया। बैठक में ग्राम स्वराज मंच करौली के विधि प्रमुख अमर सिंह मीणा, हरिराम सैनी, बत्तीलाल सैनी आदि स्वराज सेनानी उपस्थित थे।